विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। आज धोरण 9 विषय हिंदी एपिसोड नंबर 3 पद्य 24 कबीर के दोहे नामक पद्य काव्य को अपने देख रहे हैं, जिसमें 6 काव्य तक 6 दोहा तक अपने चला दिए और उसे आगे अपने अभी देखेंगे। एपिसोड 2 हो गए हैं, एपिसोड 3 नंबर में अपने शुरुआत करेंगे। जो कबीरदास जी की जो वाणी है वह वस्तुता में अद्भुत वाणी है, अद्वितीय वाणी है। उन्होंने काय को रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। जीव को ललचाने के लिए मना करते हैं, लालच उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अपने पास में जो कोई भी वस्तु है उसे उसका सेवन करना चाहिए, रूखा हो सूखा हो उसे खाना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। और ठंडा पानी पी करके शांत चित्त हो जाना चाहिए, मन को प्रसन्नचित रखना चाहिए। दूसरे व्यक्ति यदि चोपड़ी हुई थी, घी से चोपड़ी हुई रोटी खाता है तो ऐसा मत करना चाहिए जो मुझे भी ये वस्तु मिले, लालच लोभ नहीं करना चाहिए। कहावत है जो हाथ पापस के कारण लोभ ही पाप का कारण होता है। इसे आगे देखेंगे। कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार। यहाँ प्रस्तुत कविता में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में, यह जो संसार है इस संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं, रत्न जैसी कीमती 5 प्रकार के 5 वस्तु 5 रत्न पाए जाते हैं, वस्तु हैं। इन्हीं में संसार का तत्व सार समाया हुआ है। इसी 5 तत्वों में संसार का जितने भी तत्व है ये सब के सर समाया हुआ है। ये वस्तुएं हैं कौन सी, तो देखें साधु का मिलन, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार, एक कुल 5 वस्तु है। यह दिया गया है हरि साधु मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार, के 5 वस्तु अमूल्य है जो सब कुछ इसमें समाया होता है। पहले भी कह चुके हैं साधु का मिलन, साधु की जो सत्संगति है, साधुओं के साथ जो रहना है और उनके सानिध्य में बैठ करके सुंदर ज्ञान की जो प्राप्ति करे। साधु कभी भी खराब कर्म करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे नहीं, किसी को कहेंगे ही नहीं। वह अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हर समय प्रेरित करते रहते हैं, कहते रहते हैं, जिससे कि सबका कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, ये भाव होता है उनमें। हरि भजन से जीवन में आने वाले
प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अच्छे मार्ग पर चलने के सुंदर मन के अंदर विचार कल्याणकारी विचार मन में उत्पन्न होता है।